Hi friend, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn the difference among each, every, either and neither. Friends, आज के इस वीडियो में हम each, every, either और neither के बारे में जानेंगे कि इनका सही यूज क्या है, क्योंकि बहुत सारे लर्नर कमेंट बॉक्स में पूछे कि इनका क्या कंसेप्ट है। तो आइए फ्रेंड्स, इन सभी के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, इन सब के बारे में जो पहली बात है वो ये है, each, every, either और neither के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आते हैं, इसलिए इनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होनी चाहिए। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आते हैं, इसलिए जब कभी भी आप इनके बाद वर्ब लिखें तो आपका वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ आइदर के बाद एक सिंगुलर नाउन आया हुआ है, इसलिए हम वर्ब भी सिंगुलर देंगे। यहाँ एवरी के बाद एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आया हुआ है। यहाँ नाइदर के बाद एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड्स के बाद सिंगुलर नाउन ही आते हैं, इसीलिए हमें सिंगुलर वर्ब लिखना चाहिए। फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ सीखा कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद एक सिंगुलर सब्जेक्ट आती है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात गौर करना होगा, अगर एवरी के बाद प्लूरल नंबर ऑफ एडजेक्टिव हो, यानी 2, 3, 4, 5, 6 हो, तो फ्रेंड्स इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा। जैसे आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां एवरी के बाद एक प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर आया हुआ है, यानी यहां पर कोई नंबर आई हुई है जो है 3। तो जब एवरी के बाद कोई प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो तो नाउन प्लूरल होंगे। चूंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आर्स लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ एवरी के बाद एक प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर आया हुआ है, इसलिए मंथ में एस लगा हुआ है, यानी ये प्लूरल है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। फ्रेंड्स, ईच और एवरी दोनों का मीनिंग सेम होती है, यानी दोनों की मीनिंग हर एक या प्रत्येक होती है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। ईच का यूज फॉर टू आ मोर देन टू नाउन्स के लिए होती है, यानी इच का यूज दो या दो से ज्यादा नाउन के लिए होती है, जबकि एवरी का यूज मोर देन टू नाउन्स ओनली। लेकिन एवरी का यूज हमेशा दो से ज्यादा नाउन के लिए ही होती है। यह एक बारीकी है फ्रेंड्स, आपको समझना होगा कि इच का यूज दो लोगों के लिए और दो से ज्यादा लोगों के लिए, लेकिन एवरी का यूज दो लोगों के लिए कभी नहीं होता, बल्कि दो से ज्यादा नाउन्स के लिए होती है। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, Each of two girls gets a prize. यहाँ आप देख सकते हैं each वाले sentence में दो noun आए हुए हैं। Each of 10 students. यहाँ आप देख सकते हैं each वाले sentence में 10 आया हुआ है। तो each का use दो noun या दो से ज्यादा noun के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ एक और खास बात यह है कि noun दो हो या दो से ज्यादा, आपका verb हमेशा singular ही होता है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने gets लिखा हुआ है। तो इच और एवरी के साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर में होती है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में आई कि इच का यूज दो या दो से ज्यादा नाउन के लिए करते हैं, जबकि एवरी का यूज दो से ज्यादा नाउन के लिए ही करते हैं। फ्रेंड्स, इच एक प्रोनाउन है और एक एडजेक्टिव भी, लेकिन एवरी सिर्फ एक एडजेक्टिव है, इसलिए इच के बाद ऑफ का यूज किया जाता है, लेकिन एवरी के बाद ऑफ का यूज कभी नहीं किया जाता है। तो आप ये बात याद रखेंगे, इच के बाद ऑफ का यूज किया जाता है, लेकिन एवरी के बाद ऑफ का यूज कभी नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ।